हाय, मैं हूँ सल्लू, आपको बनाने आया हूँ उल्लू। तो मैं मेरी नई मूवी का प्रमोशन करने ले आया हूँ। अरे सल्लू भाई, हाँ भाई, एक सल्पी। हेलो, आप सल्पी के लाइक तो नहीं हो भाई। जो आपने कौन सी मूवी दी थी पिछली, मेरे को एक यहाँ फंस गई, निकली नहीं थी। वो तेरे नहीं फंसी, वो सबको ही फंस रही है। कोई ढंग की मूवी दे दे करो यार भाई जान। तो उसका ढंग का डायरेक्टर नहीं था ना भाई। तो अभी कौन सी मूवी आ रही? नहीं अभी वो मेरी आ रही है टाइगर 3। उसमें अच्छा काम किया है? नहीं, बहुत ही बेहतरीन। मैसेज नहीं देगा तो? हाँ, तो आपकी मूवी का मैसेज मैंने देखा था, उसमें एक सीन था ऐसे। तू भाई के नाल तोड़ेगा बे? नाल नहीं, आपको तो लोग तोड़ेंगे ऐसी मूवी दोगे तो। किसी का भाई किसी का मूवी है क्या भाई? मुझे भी पता है, वो कचरा बना दिया उसने। और उसके बाद वीर की याद आ गई थी क्या? वीर की याद आ गई थी यार, वीर। और वो सावन मूवी आई थी मेरी, उसकी याद आई थी, फिर मैंने वो बाल किए थे। डैंक का नाम कर दे तो किसी मूवी के अंदर। आने वाले दिनों में मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट आने वाला है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ। हाँ भाई। ये जो आपने टाइगर 3 मूवी लाने जा रहे हो, हाँ, वो दीपावली पे क्यों लेके आए हो? सोलो रिलीज करो किसी मूवी को कभी कभी। अगली मूवी मेरी आएगी ना, वो सोलो रिलीज होगी। सोलो रिलीज की एहसास की ने जवान, जो कि इन दिनों ब्लॉकबस्टर और सबके दिलों में राज कर रही है। क्योंकि भाई मेरी जो कि दिवाली पे मूवी आ रही है टाइगर 3, उसके अलावा और कोई मूवी नहीं आ रही, वो सोलो रिलीज हुई। अरे वो भी दीपावली भी आ रही है, कभी ईद, कभी क्रिसमस डे, कभी सोलो रिलीज करो, ये भी दीपावली भी आ रही है। अब की बार मेरी जवान से भी ऊपर जाएगी टाइगर 3, क्योंकि 2000 का टारगेट रखेगी मेरी टाइगर 3। वो तो देख लेंगे आप। देख लेना, तुम ढंग का काम कर ले करो मूवी के अंदर। ढंग का काम आपके बार देखना तुम। तेरे को मैसेज अच्छा लगा ना? मेरे को मैसेज अच्छा लगा था, मेरे को किसी का भाई किसी का जान नहीं अच्छा लगा था। क्यों यार, उसका डायरेक्टर अच्छा नहीं था, उसकी स्टोरी भी अच्छी नहीं बनाई उसने। तो आप तो ठीक दे रहा, निकलो वहां से। आहिता इस गली में मेरे को दिख मत जाना, बढ़ना धा देखोगे ना वही। अरे तू फिर से आ गया। मारे था इस गली में और जाऊंगा इस गली से। तो निकल यहां से। वेलकम गाइस, रिलीज होने जा रहा है मूवी टाइगर 3 का ट्रेलर आप सभी के बीच। वो सारी बातें हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी सल्लू भाई के सबसे बड़े फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट, और कोई ना चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कोई ना चैनल पे आपको फनी रिव्यूज देखने को मिलते हैं। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टाइगर 3 जो कि आने जा रही है दिवाली के दौरान, तो इस मूवी की बहुत ज्यादा हाइप है। और ये मूवी शायद अब की बार सलमान सर की करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी होने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि इस मूवी का ट्रेलर आपको देखने को मिल जाएगा 16 अक्टूबर को, यानी दीपावली से पहले। और सलमान खान के आप कितने बड़े फैन हैं, वो तो आपको दीपावली के शुभ अवसर पर रिलीज होने वाली इस मूवी की अनाउंस यानी रिलीज डेट पता करने की बात ही पता चलेगा। और उसके बाद हम देख के आएंगे उस मूवी को भी यार, टाइगर 3। और वो सीन क्या था बॉडी के ऊपर वैसे चला हो रहा है, जो कि टाइगर का मैसेज आया था उसमें आपने समझ ली होगी आप, जो कि काफी यूनिक तरीके से आपके बाद एक्शन होने वाला है भाईजान का, जो कि टाइगर 3 में। और इसके स्टारकास्ट में हमें नजर आ सकते हैं सलमान खान कैटरीना के, और विलन के तौर पे आ सकते हैं इमरान हाशमी, वो भी अलग लुक में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर वो और पठान का भी केमियो हमको देखने को मिल सकता है, ऐसा सोशल मीडिया या मीडिया के अनुसार पता चला है। क्योंकि ये यशराज की यूनिवर्स 5 मूवी होने वाली है, क्योंकि इससे पहले हम जितनी भी मूवी देखते हैं ना, वो सारी हिट गई है। जो कि वो पठान और टाइगर जिंदा है, टाइगर एक था टाइगर, वो सारी मूवी ब्लॉकबस्टर गई है। और ये मूवी भी मेरे ओर से तो सुपरहिट ब्लॉकबस्टर धसु फाड़ू, एक फाड़ू तो होगी भाई, क्योंकि 16 अक्टूबर को उसका जो कि ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है। अब ट्रेलर में देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर, जो कि ट्रेलर से अंदाजा पता लग ही जाता है। दोस्तों, अपने सल्लू भाई का पूरे इंडिया के अंदर नाम चलता है, तो ये मूवी तो उनकी फ्लॉप मूवी भी यार कितना 150 करोड़ कमाई लेती है, तो ये मूवी तो मानो पूरा तहस नहस कर देगी। बस इसको आने दो, इसके मैसेज से ही हम दोनों हिल गए। तो पता नहीं इस मूवी का आने के बाद हमारा क्या हाल होगा, लेकिन इसका
इसका इसका इसका ट्रेलर आने जा रहा है 16 अक्टूबर को, देखना मत भूलिएगा। तो हम दोनों भी बेताब है ट्रेलर को देखने के लिए। बस यही था रिव्यू में, और कुछ बोला जाएगा बाकी इसको जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं मनीष शर्मा सर। मनीष शर्मा सर का डायरेक्शन अच्छा रहता है, उन्होंने कई मूवी डायरेक्ट किए पीछे। बस तो यही बताना चाहते थे हम, टाइगर का मैसेज तो आपने देख लिया। कैटरीना कैफ का भी एक्शन सीन बताया गया भाई, क्योंकि कैटरीना कैफ भी अबकी बार ज्यादा हाँ करने वाली है। टाइगर जिंदा में भी उनका एक्शन बहुत ही ज्यादा लाजवाब और मजेदार था, और इस बार तो बात अपने यानी सलमान खान अपोजिट होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कितने साल देश को दिए फिर भी अपने सल्लू भाई को देश का नागरिक होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनको देशद्रोही बताया गया इस मूवी के अंदर। और वो अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि मैं देशद्रोही नहीं था, मैं देश के लिए काम करता था। वो सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी, और बहुत बड़ा सीन होने वाला इस मूवी के अंदर। और बाकी दोस्तों इसकी कहानी भी आपकी बार काफी दमदार हमें देखने को मिली, हाई लेवल टाइगर 3 की। हां हाई लेवल पे होने वाला, हाई लेवल पे होने वाले सॉन्ग तो इसके सुपर हिट होंगे होंगे जो कि टाइगर 3 के, क्योंकि यशराज ने जितनी भी मूवी डायरेक्ट की है प्रोड्यूस की है उन सभी मूवी के सॉन्ग काफी लाजवाब थे। चाहे वॉर ले लीजिए, पठान ले लीजिए, एक था टाइगर ले लीजिए, टाइगर जिंदा है ले लीजिए। टाइगर जिंदा का एक सॉन्ग आया था स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, तो अपने सल्लू भाई का हम स्वागत कर रहे हैं दीपावली के शुभ अवसर पर। तो बस लेके आइए आपको टाइगर 3, हमारा काम है उसको हिट और ब्लॉकबस्टर बनाना, तो तहस नहस कर देंगे हम सिनेमा घरों को, क्योंकि हम आपके सबसे बड़े फैन हैं। लव यू भाई जान। बाकी दोस्तों क्या टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पे सुपर फ्लॉप होगी या हिट, वो आपका टेक इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मत भूलिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही काफी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते चलते राम राम।